अब तक का सबसे सस्ता 3 BHK जो कि है छतम इंक्लेव फेज 1 के अंदर, वो भी रोड के बहुत नज़दीक, जहाँ से एक नहीं 2 मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाते हैं। तो इंतज़ार किस बात का, देखते हैं अपना सबसे सस्ता 3 BHK। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत और फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सस्ता घर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो काफ़ी अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। वो काफ़ी सस्ता 3 BHK फ्लैट है। मैं कहूँगा कि इतना सस्ता 3 BHK फ्लैट आपको छतरपुर के अंदर नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इसकी लोकेशन की। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा छतरपुर इंक्लेव फेज 1 के अंदर दिखाऊंगा। दोस्तों, छतरपुर इंक्लेव फेज 1 जो पड़ता है वो आपका मैदानगढ़ी रोड पर पड़ता है। जैसे आप छतरपुर मंदिर की तरफ से आते हैं या छतरपुर मेट्रो की तरफ से आते हैं, जैसे आप तिवोली के लिए आगे से राइट लेते हैं तो तिवोली से जस्ट पहले एक रोड जा रहा है, इसे मैदानगढ़ी रोड बोलते हैं, जो आगे जाके आपको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाता है। और दोस्तों, उसी रोड पर छतरपुर इंक्लेव फेज 1 पड़ता है, जो काफ़ी अच्छा वेल डेवलप है। आसपास बात करें तो काफ़ी अच्छे फ्लैट बने हुए हैं, लोकेलिटी भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, रोड भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे, काफ़ी साफ सुथरा रोड आपको। और दोस्तों, प्रॉपर्टी के नियर बाई की बात करें तो आपको एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी मिल जाती है, चर्च इस प्रॉपर्टी के जस्ट नियर बाई ही अवेलेबल है। मंदिर की बात करूँ तो मंदिर भी इसके जस्ट नियर बाई ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करें तो छतरपुर मेट्रो और कुतुब मीनार मेट्रो यहाँ से अप्रॉक्स 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही अवेलेबल है। और दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको सिल्वर लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन मिल जाएंगे, जो छतरपुर मंदिर के ऊपर आपको मिलने वाला है एक, और एक आपको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर मिलने वाला है। तो दोनों का डिस्टेंस और कम हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। तो काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन है, एक बार विजिट करने आप जरूर आए। दोस्तों, अब बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूँ, सबसे पहले बिल्डिंग का एलिवेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्डिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी, काफ़ी साफ सुथरी बिल्डिंग आपको मिल रही है। इसके अंदर स्टोन फ्री टेक्सचर आपको मिल रहा है, एपेक्स का पेंट करके दे रहे हैं, रेलिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। और फ्रंट एलिवेशन पर आपको जितने भी UPVC फ्रेम के अंदर ग्लास की विंडो एंड डोर मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एलिवेशन आपको मिल रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी पार्किंग के अंदर, देखते हैं किस तरह की पार्किंग आपको मिल रही है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की पार्किंग हम आ चुके हैं। 200 गज की बिल्डिंग है तो 100 गज के 2 3 BHK फ्लैट बने हुए हैं। इस बिल्डिंग का फ्रंट इतना अच्छा है कि 3 BHK फ्लैट आप देखकर कहेंगे कि कोई आप 120 गज या 130 गज का फ्लैट देख रहे हैं, क्योंकि 100 गज का फ्लैट बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, क्योंकि फ्रंट काफ़ी अच्छा है। तो आपके 2 बेडरूम और किचन आपको फ्रंट पे मिल जाती है। सबसे पहले पार्किंग दिखा देता हूँ, कितनी अच्छी पार्किंग आपको मिल रही है। पार्किंग अंदर कुछ नहीं बना रहे और क्रॉस वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा है इस बिल्डिंग का, क्योंकि पीछे भी आपको अप्रॉक्स 10 फीट का रोड मिल जाता है और फ्रंट साइड में आपको 25 फीट का रोड मिल जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है इस बिल्डिंग का और आपके फ्लैट का। वॉल पे भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको स्टोन फ्री टेक्सचर करके दे रहे हैं और फोकस लाइट लगा के दे रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छे एनहेंस करके दे रहे हैं। ऊपर सरफेस लाइट आपको लगा के दे रहे हैं, नीचे ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आपको मिलने वाली है और पिलर्स और आपकी वॉल को काफ़ी अच्छा एनहेंस करके दे रहे हैं। लिफ्ट देख सकते हैं, लिफ्ट का काम अभी चल रहा है तो लिफ्ट भी आपको मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर वर्किंग मिल जाएगी। और देख सकते हैं इसकी जो इसकी एंट्रेंस है उस पर भी क्लैडिंग करके दे रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके स्टेयर्स की। अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्स 3.5 फीट इसकी चढ़ाई, 10 इंची का स्टेप और 7 इंची का राइजर आपको मिल रहा है ग्रेनाइट की फ्लोरिंग के साथ। अब चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर, वहीं जाके बताऊंगा किस तरह का फ्लैट है और किस तरह के फिटिंग और फिक्सचर के साथ प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, फ्लैट आपको मिल रहा है। दोस्तों, अपने फ्लैट के अंदर हम आ चुके हैं। इस फ्लैट को देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिल्कुल नहीं कहेंगे 100 गज का फ्लैट आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कोई 120 या 125 गज का फ्लैट आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोर की स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों, इस फ्लैट के अंदर आपको काफ़ी अच्छा वर्क भी करके दे रहे हैं, मोल्डिंग वर्क हो गया आपका, पॉलिश वर्क काफ़ी अच्छा आपको करके दे रहे हैं। अगर डोर की एंट्रेंस की बात करूँ, 4 फीट बाई 8 फीट की एंट्रेंस आपको मिल रही है। इसमें आपको लॉक एसएस का मिल रहा है डोर सेट का, आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी अच्छी पॉलिश वर्क और विनियर लगा के दे रहे हैं बोथ साइड, तो काफ़ी हैवी फ्लश डोर मिल रहा है और मोल्डिंग लगा के दे रहे हैं, जैसे कि आपकी जो चौखट फ्रेम वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एंटर करती है आपको 19 फीट बाई
12 फीट का लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आपको 120 या 125 गज के फ्लैट के अंदर मिल पाता है, बट इस फ्लैट का फ्रंट की बात करूँ तो 30 फीट का फ्रंट आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि दो बेडरूम और एक किचन आपको बिल्कुल फ्रंट पर मिल रही है। तो फ्रंट इसका अच्छा है, इस वजह से इसमें क्या है ना, स्पेस बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस निकल कर आया है, चाहे बेडरूम की बात करें, ड्राइंग रूम की बात करें, किचन की बात करें। तो मैंने आपको बता दिया 19 फीट बाई 12 फीट का लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाता है। वॉल को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्क किया हुआ है, जिससे वॉल आपकी स्मूथ दिखाई दे। मोल्डिंग वर्क करके दे रहे हैं, आप चाहते हैं तो इसमें इन्होंने येलो कलर का पेंट किया हुआ, हम चाहते हैं तो इसमें वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। वॉलपेपर लगाने से और अच्छी एनहेंस करेगी आपकी मोल्डिंग वर्क, वॉल भी काफ़ी अच्छी निकल कर आएगी। और ये एल शेप आपको मिल जाती है, जहाँ अपना सोफा सेट आप लगा सकते हैं, सामने टीवी लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी वॉल आपको मिल रही है, जहाँ 6-7 सीटर आप सोफा इजिली लगा पाएंगे। स्प्लिट एसी कंड्यूट आपको मिल रहा है। और इस फ्लैट के अंदर अभी लास्ट कोट पेंडिंग है, एक कोट होने के बाद ये फ्लैट और अच्छा निकल कर आएगा और अच्छी इसकी फिनिशिंग दिखाई देगी आपको। अब फ्लोरिंग की बात करें तो 2x4 की हाई ग्लो स्टाइल का यूज़ किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और दोस्तों ये वाला स्पेस आपको मिल जाता है, आप चाहते हैं तो यहाँ भी डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं, यहाँ 4 और 6 सीटर आपका डाइनिंग टेबल इजीली लग जाएगा, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आप यूटिलाइज कर पाएंगे इस फ्लैट का। दोस्तों वेंटिलेशन के लिए इधर देख सकते हैं, आपको पीछे शाफ्ट है, ग्लास के डोर आपको अलग मिल रहे हैं, शटर्स और आपको मॉस्किटो के अलग मिल रहे हैं, और विंडो एसी का भी प्रोविजन आपको मिल रहा है, विंडो भी आप लगा पाएंगे। और काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क और वर्टिकल कूफ के साथ फैन आपको बजाज के लग दे रहे हैं, झूमर भी आपको लगाया हुआ है देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क में लाइट लगा के देने तो अच्छी लग रही है आपकी फॉल सीलिंग और इनहेंस कर रही है। दोस्तों अब इसका मैं कॉमन वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। कॉमन वॉशरूम देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा निकल गया है, काफ़ी अच्छा साइज लग रहा है वॉशरूम का। बीच में देख सकते हैं आपको बेथिंग एरिया दिया हुआ है, जिसमें सेरा का जितना आपका डाइवर्टर स्पाउट सेरा का मिल रहा है, सेरा का आपको वॉल बेसिन मिक्सर मिल रहा है, सेरा का आपको बेसिन मिल रहा है, नीचे वैनिटी मिल रही है आपको, सेरा की आपको सीट, सेरा का सिस्टम आपको मिल रहा है, और पीछे शाफ्ट दी हुई है ओपनेबल वेंटिलेशन के लिए, ऊपर एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी ब्रांडेड फिटिंग के साथ आपको टॉयलेट डिलीवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें किस तरह इसका लेआउट है। इसमें हमने बताया दो बेडरूम किचन आपको फ्रंट पे मिल रही है, एक बेडरूम आपको बैक साइड में मिल रहा है। तो पहले बैक साइड वाला बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 11 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम का साइज़ है। इसमें सेम टाइल लगा के दे रहे हैं 2x4 की, ग्लॉस काफ़ी अच्छा है। ये बेड के पीछे वाली वॉल है, मैंने बताया इसमें आप चाहते हैं तो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई टेक्सचर करा सकते हैं रस्टिक का, तो और अच्छी वॉल आपकी इनहेंस करेगी। लास्ट कोट इसमें पेंडिंग है और अच्छा फ्लैट निकल के आएगा, फिनिशिंग और अच्छी दिखाई देगी आपको। स्प्लिट एसी कंड्यूट आपको मिल रहा है, दो शटर्स आपको मिल रहे हैं, मॉस्किटो का भी, ग्लास का भी, और ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन आपको मिल रहा है। एक वार्डरोब आपको मिल रही है, अगर वार्डरोब की साइज़ की बात करें तो ये अप्रॉक्स आपको 4 फीट बाई 7 फीट की वार्डरोब मिल रही है। इसमें व्हाइट कलर की लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क, बीच में डाउन सीलिंग, साइड में वर्टिकल कूफ दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है, वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर करते ही सामने आपको वैनिटी मिल जाती है काफ़ी बड़ी, देख सकते हैं इसमें वॉल बेसन मिक्सर आपको मिल रहा है, शीट आपको वॉल हैंग मिल रही है, सिस्टम आपको सेरा का मिल रहा है, पीछे बेथिंग एरिया दिया हुआ है जिसमें सेरा का आपको डाइवर्टर सेरा का स्पाउट मिल रहा है, और टाइल भी काफ़ी अच्छी लग रही है वेंटिलेशन के लिए एडजस्ट है, और ओपनेबल आपको विंडो मिल रही है। दोस्तों चलते हैं इसकी किचन की तरफ, देख सकते हैं किचन का साइज भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, अप्रॉक्स 11 फीट बाई और आपको 5.5 से 6 फीट की किचन मिल रही है, जो इस फ्लैट की अगर मैं बात करूँ 100 गज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी आपको मिल रही है। देख सकते हैं इसमें नैनो वाइट टॉप लगाया हुआ है, वाइट कलर की सतवाजो टाइल लगाई हुई है, और आपको वाइट कलर की लैमिनेट लगाई हुई है, जो जिससे कि आपकी किचन बड़ी भी दिखाई दे और काफ़ी अच्छी लग रही है। इधर देख सकते हैं आपको वेंटिलेशन के लिए एक स्लाइडर आपको UPVC का विंडो मिल रही है, जिसे स्लाइड कर सकते हैं, आप चाहते हैं इसमें मॉस्किटो भी ऐड कर सकते हैं, तो वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, सफोकेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल फेस करनी नहीं पड़ेगी किचन के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा किचन के अंदर सफोकेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पाता। इधर सिंगल वॉल सिंक आपको लॉन्ग बॉडी देख सकते हैं, सिंक मिक्सचर आपको मिल रहा है सेरा कंपनी का, तो सारी ब्रांडेड फिटिंग आपको मिल रही है। नीचे देख सकते हैं आपको सारी वायर बास्केट मिल रही है SS की, ऊपर ओवरहेड स्टोरेज आपको मिल रही है, ऊपर फॉल सीलिंग वर्क आपको करके दे रहे हैं, और देख सकते हैं आपको इसमें काफ़ी अच्छी लाइट भी लगाई हुई है, कंसील लाइट भी काफ़ी अच्छी यूज़ की हुई है। दोस्तों अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाई 10 फीट का साइज़ दिया हुआ है। ये बेड के पीछे वाली वॉल है, इसमें जितने भी सॉकेट है रिमार्क है साइड टेबल्स के, ऊपर वर्टिकल कोप के साथ फॉल सीलिंग, बजाज का फैन आपको मिल रहा है, स्प्लिट एसी का कंड्यूट आपको मिल रहा है, सामने के टीवी का पॉइंट, एक वार्डरोब आपको मिल रही है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, ये भी 4 फीट बाई 7 फीट की मिल रही है। इसमें देख सकते हैं वाइट कलर के लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, और वेंटिलेशन के लिए आपको
जिससे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहे, लाइट और आपका एयर वेंटिलेशन। इसमें स्लाइडर डोर आपको मिल रहा है यूपीवीसी फ्रेम में, इसमें ग्लास लगाया हुआ है। आप चाहते हैं तो इसमें मॉस्किटो भी ऐड कर सकते हैं, तो प्रॉपर आपको एयर भी मिलेगी, सनलाइट भी प्रॉपर आपको मिलेगी। जो ये वाला बेडरूम है आपकी फ्रंट की बैल्कनी से बिल्कुल कनेक्टेड है, देख सकते हैं। टॉक्स आपको 25 फीट की बैल्कनी मिल रही है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा साइज दिया हुआ, देख सकते हैं। इसमें ग्रेनाइट की फ्लोरिंग, MS की रेलिंग आपको मिल रही है, टॉप ऑफ ग्रेनाइट का मिल रहा है। जितना भी कॉमन एरिया है इसमें भी एपेक्स का आपको पेंट करके दे रहे हैं, जो वेदर प्रूफ होता है, और जो आपके पिलर्स हैं उसमें स्टोन फ्री टेक्सचर आपको करके दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे एनहेंस करके दे रहे हैं आपकी बैल्कनी भी। वॉशिंग एरिया का पॉइंट आपको मिल रहा है। अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, जो इसका थर्ड बेडरूम है। दोस्तों अब इसके लास्ट बेडरूम में आ चुके हैं। अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो 12.5x by 11.5 का आपको बेडरूम का साइज मिल रहा है। साइज काफी अच्छा लग रहा है, काफी हूज आपको बेडरूम दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं इतने स्विच सॉकेट दिए हुए, सारे साइड टेबल्स के, इसमें आपकी जो लाइट्स होती है फैंसी लाइट्स भी लगाई हुई है। आप इसमें वॉलपेपर भी ऐड कर सकते हैं, लोवर्स भी लगा सकते हैं, तो इस वाली वॉल को, जो बेड के पीछे वाली वॉल है, उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सामने आपको स्प्लिट एसी का कंटिन्यू, टीवी का पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, अच्छी फॉल सीलिंग वर्क देख सकते हैं, कंसील लाइट, बीच में डाउन सीलिंग, साइड में वर्टिकल कोव आपको मिल रहा है। वार्डरोब की बात करें तो 4x by 8 की वार्डरोब आपको मिल रही है, वाइट लैमिनेट के साथ मिल रही है। फ्लोरिंग आपको एंटायर फ्लोर के अंदर सेम फ्लोरिंग लगा के दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा वर्क आपको करके दे रहे हैं। दोस्तों ये वाला बेडरूम भी आपका फ्रंट की बैल्कनी से बिल्कुल कनेक्टेड है, देख सकते हैं। अप्रोक्स 4 feet का आपको ये फिक्स ग्लास मिल रहा है, 4 feet का आपको ये डोर मिल रहा है, तो 8 feet के लिए आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी और 4 feet में आपको प्रॉपर एयर मिलेगी, तो लाइट और एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है इस बेडरूम का। ये वाला बेडरूम भी देखना फ्रंट की बैल्कनी से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो काफ़ी अच्छा फ्लैट है, देख सकते हैं। दोस्तों इस फ्लैट को देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगा होगा कि आपने 100 गज का कोई फ्लैट देखा है, आपको लग रहा होगा कि आपने 120 या 125 गज का कोई फ्लैट देखा है। दोस्तों क्योंकि ये फ्लैट को इतना अच्छा यूटिलाइज़ किया है, फ्रंट अच्छा है, तो इसमें बेडरूम ड्राइंग रूम काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्पेसेस आपको निकल कर आए। दोस्तों इस तरह की और प्रॉपर्टी देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.sastakar.in। इस साइट पर जाकर अपने बजट के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी देख पाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के लैंड टाइटल के बारे में और प्राइस के बारे में। दोस्तों अगर मैं लैंड टाइटल की बात करूँ तो अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई है इसका लैंड टाइटल अभी GP है। ये जो कॉलोनी है ये ऑथराइज होने की जो लिस्ट है कॉलोनी की उसमें है, तो जब इसी कॉलोनी ऑथराइज होगी या पास होगी तो यहाँ का जो प्राइस काफ़ी हाई जाएगा, तो सही टाइम है आपका इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप अभी इन्वेस्ट कर देते हैं तो प्राइस काफ़ी कम है और आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर एप्रिसिएशन काफ़ी हाई मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी पर। और दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो 52 lakh इसका आस्किंग प्राइस है, जो काफ़ी अच्छे प्राइस है। और दोस्तों काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, 2 metro stations आपको मिल जाते हैं, आने वाले टाइम में आपको 2 metro stations और मिल जाएंगे सिल्वर लाइन के, जहाँ पर आप इजीली अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी पहुँच पाएंगे। अगर बात करूँ डेली नीड्स के लिए तो कॉलोनी के अंदर कॉलोनी के बाहर आपको सारी मार्केट मिल जाती है, और डेली नीड्स की चीज़ें आपके इजीली फुलफिल हो जाती है। तो दोस्तों देर ना करें, अपनी विजिट सस्ता घर के साथ आज ही अलाइन करें। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जोर दबा दें। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब खुशियाँ नए पते पर।